बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, टिकटॉक स्टार फुल्लो के नाम से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ये जो शख्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये टिकटॉक के बहुत ही बड़े स्टार हैं और टिकटॉक ने इनकी ज़िंदगी ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, ये पहले मजदूरी किया करते थे और बाद में टिकटॉक पे वायरल होने के बाद इनकी जो ज़िंदगी है ये पूरी तरह से बदल गई। लेकिन आज टिकटॉक को बैन कर दिया गया पाकिस्तान में, तो फुल्लो का रद्देअमल भी सामने आ चुका है। तो क्या कहना है, यकीनन जान के आप बहुत ही ज़्यादा अफसरदा होंगे। तो अपने दिल को थाम के रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक तमाम तरह जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो टाइम से पहुंचती रहें। और क्या टिकटॉक को बैन होना चाहिए था? आपकी जो राय है इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉक स्टार फुल्लो ने कहा है कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए था। टिकटॉक ने मेरी पूरी तरह से ज़िंदगी बदल दी। मैं पहले मजदूरी किया करता था और मेरी तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी पूरी तरह से टिकटॉक ने बदल दी। रोजी रोटी का ज़रिया था टिकटॉक, लेकिन हुकूमत ने इसको बैन करके हमारे पैरों तले से ज़मीन जो है वो निकाल दी है, हमारे सर से छतों को उखाड़ फेंका है हुकूमत ने। हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा बातें की फुल्लो ने और बहुत ही ज़्यादा जज्बाती दिखाई दे रहे थे, उनकी आंखों में गम दिखाई दे रहा था कि टिकटॉक को बैन नहीं होना चाहिए था। बाकी दोस्तों, आपके ख्याल में क्या यह सही फैसला किया गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फुल्लो के लिए एक प्यारा सा जुमला कमेंट में लाजमी लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।